कौन छुप रहा है? अगर हिम्मत है तो आओ सामने। तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या मैंने तुम्हें डराया? मुझे लगा मैं डरा था। रास्ता भूल गए? ठंडी गुफा उस तरफ है। नहीं नहीं, उसका नाम मत लो, उस गुफा में भूत है। मेरे ख्याल से सभी बंदर तो उसी इलाके में रहते हैं ना? रहते होंगे, पर मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। मैं हूँ हिमालय पहाड़ों की बंदरिया। हम समझदार होते हैं। इतने समझदार हो कि भूतों पर भरोसा करते हो? मेरा एक दोस्त है बलू, वो तो कहता है भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। और मैंने भूत देखे हैं, दो पैरों पे चलते हैं, खतरनाक होते हैं और हाथ में होती है आग उगलने वाली डंडी। लगता है इंसान जंगल में आए हैं। चलो ये बात बलू को बताते हैं। आओ मेरे साथ, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं हूँ मोगली। और मैं हूँ लांगर। कितने दिनों से ये गायब है? 3 दिन और 3 रातों से। ओ, क्या मुसीबत है। बलू, बगीरा। मोगली कहाँ यहाँ आया है? काश मैं कुछ मदद कर पाता, पर मुझे तो शिकार पे जाना है। मैंने महीनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। पर तुम्हें मदद करनी होगी का? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो छोड़ो, फिलहाल तो मुझे पेट भर के कुछ खाना है। नहीं, मैं तो कहता हूँ जो जरूरी है वो करो। पर हमें मदद क्यों चाहिए बलू? हमारा व्हाइट कोबरा तो बीमार है और कहीं चला गया है, पर किसी को नहीं पता कहाँ। कोबरा बीमार हो गया? पता नहीं क्या खाया होगा। जाओ ढूंढो उसे। थू ठंडी गुफा के खंडरों के खजाने की रक्षा करता है और ऐसा वो सदियों से करता आ रहा है। और थू के गायब होने से इंसान उस खजाने तक पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे। हो सकता है अभी भी वो वहीं जा रहे हो। अरे नहीं। क्या हुआ मोगली? ये लैंगर है, इसने किसी को देखा है, शायद इंसान थे, वो भी ठंडी गुफा के पास। मुझे इसी का डर था। चलो जल्दी वरना देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो मोगली? ठंडी गुफा के खंडरों में खजाने की हिफाजत करने। ठीक है, अच्छे से जाना। बाय बाय। नहीं, खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है इंसानों ने बंदरों को यहाँ से भगा दिया है। चौकन्ने रहना मोगली, वो आसपास ही होंगे। मैं तो कहती हूँ इंसानों को खजाना ले जाने देते हैं ताकि हमारी जान बच जाए। नहीं लैंगर, अगर हमने ऐसा किया तो फिर जंगल में और इंसान आएंगे, रोज हजारों पेड़ काटेंगे और ना जाने कितने जानवरों की जान लेंगे। ये हम पहुँच गए। ये दरवाजा सदियों से नहीं खोला गया है। मदद करोगे? इस बात का पता किसी को नहीं, पर जब तक इसका पता किसी को नहीं ये जंगल सुरक्षित है। पर हम खजाने की रक्षा कैसे करेंगे? हमारे पास हथियार भी नहीं है। हमें जो भी करना पड़े करेंगे ताकि उन इंसानों को यहाँ से दफा कर सके। तुम सांप की तरह आवाज निकाल सकते हो बलू, जैसी का निकालता है। कोशिश कर सकता हूँ। एकदम सेम टू सेम। वो सांप यहीं कहीं होगा, बेवजह गोलियां मत चलाओ। इस जगह के बारे में बहुत सुना है, एक बार खजाना दिख जाए बस। अंधेरा हो रहा है, रोशनी का इंतजाम करना होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी बघीरा। किसकी मदद? कोई है जो इस काम को आसानी से कर सकता है। ये बताओ, अगर इंसानों को भगा दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम तो जानते ही हो इंसान तुम्हारा भी कितना नुकसान करते हैं शेर खान। तुम्हारे खाने वाले जानवरों को फर के लिए मारते हैं। खाने की बात है तो मुझे वो इंसानी बच्चा मिल सकता है? नहीं खान, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मोगली को तो किसी सुरक्षित जगह भेज देंगे। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। तुमने इसकी बातें सुनी टबाकी? एक एक बात। ओहो, अब ये क्या बात हुई बघीरा, मैं मदद क्यों नहीं कर सकता?
मोगली, मामला बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो फिर उस लैंगर को क्यों रखा? क्योंकि वो शेर खान लैंगर के पीछे नहीं पड़ा है। देखो मोगली, मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, इसलिए जैसा बलू ने कहा वैसा करो, यहीं छिपे रहो। मेरा प्लान है कि हम टीम में बंट जाएंगे और इंसानों को एहसास दिलाएंगे कि उन्हें घेर लिया गया है। फिर एक इशारे के साथ हम जोर की आवाजें निकालेंगे। कोई शक या सवाल? मैं घर जा सकती हूँ? टेंशन मत लो, बघीरा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं और खान एक साथ रहेंगे। ओ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बहुत सुरक्षित महसूस करूँगा। बल्लू, कोई है यहाँ? मोगली, देखो मैं आया हूँ। डब्बा की जरूरत के वक्त ऐसे दुम दबा कर बैठना अच्छी बात नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी टबाकी। अच्छा, तो वहाँ छुपे बैठे हो? कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो मोगली, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। सभी ठंडी गुफा के खंडरों में गए हैं। हाँ, तो तुम भी उनके साथ क्यों नहीं जाते? हाँ, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और वही कहा जो तुम्हें कहा मोगली, कि मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे ही कहा उन्होंने, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कम से कम मेरे बारे में तो नहीं। और ना ही मेरे बारे में। अब तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा के खंडरों में। मैं किसी इंसान से नहीं डरता और ना ही बाघों से। हाँ। वो मशाल बना रहे हैं, हमें अपना इशारा करना चाहिए। अच्छा, ये इशारा कैसा है? ये इशारा है, चलो आवाज निकालो। लैंगर, कहाँ जा रही हो? ये तो बघीरा है, हो क्या रहा है यहाँ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना इंसानी बच्चे, तुम ही जाओ वहाँ। तुमसे बड़ा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। कायर बनकर जीने में ही भलाई है, वरना हिम्मत वाले तो खाना बन जाते हैं। तुमने मेरे साथ चाल चली? खान, तुम जैसों पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मैंने तो धोखा नहीं दिया, मैंने कहा था मैं इंसान का सफाया करूँगा और अभी मैं वही करने जा रहा। बलू, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? और शेर खान कहाँ है? देखो, इंसान खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं। काश जंगल में असली के भूत होते। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, इंसान उनसे डर कर जो भाग जाते हैं। लैंगर, तुम्हें इस मौके पर मजाक सूझ रहा है? एक मिनट रुको, भूत। अरे हाँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, भूल गई? ऐसा है क्या? वो आ गए हैं। चलो चिल्लाते हैं, ठीक तीन गिनने के बाद। एक, दो, तीन। उन्हें ऐसा सबक मिला कि वापस नहीं आएंगे। शुक्रिया मोगली। और लैंगर का भी, हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है ना? पर मैं इस सबसे बहुत खफा हूँ कि तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया। मोगली, उस टबैकी पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमने भी तो शेर खान पर भरोसा किया था, क्यों बलू? तो बोलो, अब क्या करना है? क्यों ना कोई भूत की कहानी हो जाए। हाँ हाँ, सुनाओ। मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता। डर तो अब मुझे ही मगर मच्छ खाने से लगता है। आज के बाद देखूंगा भी नहीं। अब जाओ यहाँ से, अपने खजाने की रक्षा मैं खुद कर लूंगा। वो गया ना? हम समझ गए बलू,
तुम भूत भूत से नहीं पर जानवरों से डरते हो। थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, पहुंच गया। बहुत अच्छा। थोड़ा सा पास होता तो मैं मदद करती हूँ। बलू रुको थोड़ा। मोगली तुम ठीक तो हो? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मेरी नाक। मुझे माफ कर दो, पर मैं तो मदद करना चाहती थी। समझ सकता हूँ, अब और मत करना। अब मुझे बस थोड़ा सा शहद मिल जाता तो। तुम बड़े प्यासे हो। मैं दवाई वाले शहद की बात कर रहा हूँ बघीरा। वो बादाम के पेड़ पर होता है, बड़ा ही टेस्टी होता है। मुझे बादाम का पेड़ पता है, मैं लाती हूँ। मैं जाऊँ? तुम ज्यादा शहद नहीं ला पाओगी डार्जी, मैं बघीरा के साथ जाकर लाता हूँ। तुम बलू का ख्याल रखना। देखना मधुमक्खियां ना काट ले। मधुमक्खियां तो है ही नहीं और ना ही शहद बचा है यहाँ। सारा का सारा शहद किसी ने ले लिया। अब ये जंगल के नियम के खिलाफ नहीं है बघीरा? खिलाफ तो है पर क्या कर सकते हैं। चलो बलू को ये बुरी खबर दे देते हैं। एक मिनट, वो शहद चोर इस तरफ गया है, क्यों ना उसके पीछे जाया जाए बघीरा। पर जल्दी करना होगा, बलू हमारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, पता नहीं बलू को क्या हो रहा है। माफ करना बलू, पर मैं तो तुम्हारी तबीयत चेक कर रही थी। तुम्हारे लिए कुछ कर दूं मैं? नहीं डार्जी, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्लीज। उस चोर ने और निशान भी जरूर छोड़े होंगे बघीरा। कुछ महक तो मिल रही है। तुम उस हनीदीप को ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, नेवलों की नाक बड़ी तेज होती है। हाँ, और हम तेंदुओं के भी। पर तुम्हारी नाक ने तो कुछ खास किया ही नहीं अभी तक। अब बोलो मत, कुछ करके भी दिखाओ रिकी, चलो शुरू हो जाओ। हाँ अभी लो। समझ आ गया। मेरे पीछे आओ, हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक। अब आओ ना। तबीयत बहुत खराब है, कितना दर्द हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। कीचड़? हाँ तुम्हें कीचड़ चाहिए, उससे तुम्हें ठंडक मिलेगी बलू। ओह बंदर, मुझे शक तो हो रहा था। माफ करना बलू, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अरे नहीं 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 बाबा नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। बहुत मदद कर ली तुमने। क्यों आए हो यहाँ? हम वो शहद लेने आए हैं जो तुम्हारे बंदरों ने बादाम के पेड़ से चुराया है। पर हमने कोई शहद नहीं चुराया। पर सबूत तो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। एक मिनट, इससे बंदर की खुशबू नहीं आ रही, इस चोरी के पीछे कोई और जानवर है। हा? और नहीं तो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की? हमला करो।
सरदर्द हो रहा है, मुझे शहद चाहिए। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मोगली बस आता ही होगा। हाँ, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी देर और बलू, थोड़ी देर। सुनो एकी, वो शहद भरा छत्ता है ना? मैं नहीं दूंगी, ये मेरा है। पर तुम्हें ये मिला कहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर मैं तुम्हें इसके बदले आम दूं तो चलेगा? मीठा मीठा आम, बलू के पेड़ वाला। ठीक है, सौदा मंजूर है। एक जानवर ने इसे यहाँ गिराया था, पर तुम ध्यान से उसके पास जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्सैल है, मैं भी बाल बाल बची थी। अरे देख लेंगे, वैसे वो रहता कहाँ है? एक बड़े से पत्थर के नीचे, यहाँ से सीधे चले जाओ। शुक्रिया की। शुक्रिया छोड़ो, बस आम पहुँचा देना। बेचारे बलू को धूप लग गई है, ये सूरज भी ना। तुमने तो इसका और कचूमर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं। ओ, ये मोगली अभी तक शहद लेकर क्यों नहीं आया? अरे चिंता नहीं करो बलू, मैं जाती हूँ उसे लेकर आती हूँ। ये रहा उस चोर का अड्डा। ये तो छोटा छेद है, तो फिर जानवर भी छोटा ही होगा। हेलो, क्या कोई अंदर है? इकी ने सही कहा था, ये बड़ा गुस्सैल है। मुझसे पंगा मत लेना, मैं हूँ हरजीत हनी बाजा, तुम सबसे निपट सकता हूँ मैं। अरे हम लड़ने नहीं आए हैं, वो क्या है कि तुम्हारे पास थोड़ा शहद बचा है ना? हाँ, मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? पर मैं वो किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि शहद मेरा होता है। ओए, तू इतना कर क्यों रहा है? क्या कहा? हाँ, शुक्र मनाओ मेरा मूड अच्छा है। चलो जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों ना इसे भी लालच दे, एक हनी बैडजर सिवाय शहद के और क्या खाता है? सब कुछ, अंडे, कीड़े, बेरीज। घबरा क्यों रही हो डाजी? बलू ठीक तो है ना? अरे नहीं, तभी तो आई हूँ, उसे शहद की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बलू की जान के खातिर हम यहाँ से शहद लेकर ही जाएंगे। चलो दोस्तों। हाँ ठीक है, मैं उस लल्लू को एक घूंसे में हरा दूंगा। पाँच पाँच को हराया मैंने। नहीं, मैं हरजीत को हराऊंगा, तुम रहने दो रिकी। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। रिकी एक काम करो, तुम हरजीत से भिड़ो और उसका ध्यान भटकाओ, और बघीरा मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, मेरी मदद करोगी? रिके 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 रिके। अरे बाबा, तुम्हारे पास और बहुत है। नहीं छोड़ूंगा, कभी ना कभी तो हाथ आओगे। ओह, अब जाकर राहत मिली। शुक्रिया मोगली। रिकी को शुक्रिया कहो, यही उस हनी बैजर से भिड़ा। शुक्रिया रिकी, तुम सबका शुक्रिया, तुम सब अच्छे दोस्त हो। तुम भी डार्जी, मैं जानता हूँ तुम मदद कर रही थी, वैसे मदद से ज्यादा ये तकलीफ ही दे रही थी। मेरे पास एक और चीज है बलू, लो इसे खाओ, इसे खाकर तुम और जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे हाँ क्यों नहीं। ये मेरा है ना?
हाँ? ओ, लगता है मेरा सर फिर से घूम रहा है। ये है जाम।